नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जुबिलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए आसाम राइफल से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी कैंडिडेट्स के लिए आई है, ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है जी, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? हर एक स्टेट में अलग अलग पोस्ट हैं आसाम राइफल की तरफ से। पूरी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आप फिर फर इंफॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, असम राइफल की तरफ से ट्रेडमैन की वेरियस पोस्टें हैं जी, 1380 के करीबन पोस्टें हैं। और अप्लाई होने कब से स्टार्ट है जी? 6 जून। कब से? 6 जून से अप्लाई होने स्टार्ट हैं जी। अभी तो मई हुई है, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अप्लाई होना जारी स्टार्ट नहीं हुआ, बट अप्लाई होना भी आपको 6 जून से अप्लाई होने भी स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म। और 20 जुलाई लास्ट डेट रहेगी, 20 जुलाई लास्ट डेट रहेगी। अगर आप ग्रुप बी की पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे, ऑल कैंडिडेट सभी कैंडिडेट्स की 200 रुपये फीस रहने वाली है। ग्रुप सी पोस्टों के लिए अप्लाई करोगे तो 100 रुपये। SC ST फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं है। ठीक है जी, फीमेल कोई भी कैटेगरी की हो तो कोई भी फीस नहीं रहने वाली। अब बात कर लेते हैं जी एज लिमिट की बारे में। तो मिनिमम आपकी 20 जुलाई तक मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम आपकी 23 साल एज मांगी है, 18 से 23 साल एज मांगी हुई जी। इसमें आपका सिलेक्शन की बात करें, PMT और PET टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम रिटन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम आपका बाद में होगा। इसमें 1380 पोस्टें हैं। कितनी है जी? 1380 पोस्टें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बात कर लेते हैं ब्रिज एंड रोड के लिए, जो कि मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों की पोस्टें हैं, 17 पोस्टें हैं। 10वीं प्लस में आपका डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फॉर ब्रिज के लिए होना चाहिए। और क्लर्क की पोस्टें हैं जी 287, मेल फीमेल दोनों के लिए 287 पोस्टें हैं। इसमें 12वीं होनी जरूरी है। इंग्लिश टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी जरूरी है। रिलीजियस टीचर की बात करें तो वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी। ठीक है जी, रिलीजियस टीचर की 9 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ऑपरेटर रेडियो एंड लाइनमैन की आपकी पोस्टें 729 पोस्टें हैं। इसमें 10वीं प्लस में ITI आपकी ऑपरेटर रेडियो में होनी जरूरी है, या फिर +2 आपकी नॉन मेडिकल में। रेडियो मैकेनिक की 72 पोस्टें हैं जी। 10वीं के साथ आपका रेडियो मैकेनिक का या तो डिप्लोमा हो 10वीं के साथ, या फिर 12वीं आपकी नॉन मेडिकल के साथ होनी भी कंपलसरी है। ठीक है जी, आर्मर की पोस्टों की बात करें तो 48 पोस्टें हैं, 10वीं मांगी हुई है। लैब असिस्टेंट में भी 13 पोस्टें हैं, 10वीं मांगी है। नर्सिंग असिस्टेंट में भी 100 पोस्टें हैं और 10वीं मांगी है। वेटिनरी फील्ड असिस्टेंट की बात करें तो 10 पोस्टें हैं, 10वीं के साथ वेटिनरी साइंस का डिप्लोमा मांगा है। आया पैरामेडिकल की पोस्टें हैं जी 15 पोस्टें हैं, 10वीं मांगी हुई है। वाशरमैन की 80 पोस्टें और इसमें भी आपकी 10वीं पास आउट मांगी हुई है। ठीक है जी, इसमें अलग अलग स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। तो स्टेट वाइज अंडमान निकोबार में 1 पोस्ट है, आंध्र प्रदेश में 72 पोस्टें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 42 हैं, आसाम में 57 है, बिहार में 107 हैं, चंडीगढ़ में 2 है, छत्तीसगढ़ में 32 हैं, दिल्ली में 12, दादर एंड हवेली में 1 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 56 पोस्टें हैं, दमन एंड दीव में आपकी 1 पोस्ट है, गोवा में 3, गुजरात में 50 पोस्टें हैं, हरियाणा में आपकी 14 पोस्टें हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 पोस्टें हैं, जम्मू एंड कश्मीर में 26 पोस्टें हैं, झारखंड में 53 पोस्टें हैं और कर्नाटका में आपकी 51 पोस्टें हैं। इसलिए बता रहे हैं बोलकर ताकि आपको क्लियर आउट हो सके, थोड़ा सा आप रिविजन भी कर सको। केरला में 39 पोस्टें हैं, लक्षद्वीप में 1 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 47 हैं, महाराष्ट्र में 71 पोस्टें हैं, मणिपुर में 79 पोस्ट हैं, मेघालय में 60 पोस्टें हैं, मिजोरम में 85, नागालैंड में 115 और ओडिशा में 51, पांडिचेरी में 2 पोस्ट हैं, पंजाब में 18, राजस्थान में 41, तमिलनाडु में 57 और तेलंगाना में 46 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, त्रिपुरा में 7, उत्तराखंड में 7 और उत्तर प्रदेश में 123, टोटल में 1380 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसमें आपका कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हो सकता है, मेन बात ये आती है, क्योंकि हो सकता है भी ओनली मेल मेल की हो, नहीं, इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट ही एलिजिबल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं वो आपको प्रॉपर बताएंगे। ठीक है जी, कैसे आप हो सकोगे वो भी बताएंगे। इसमें देख सकते हो ब्रिज एंड रोड की आपकी नैब सूबेदार की पोस्ट है,
और क्लर्क मेल और फीमेल में हवलदार की पोस्ट है, इसमें दोनों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रिलीजियस टीचर में नायब सूबेदार, ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन में हवलदार, और रेडियो मैकेनिक में वारंट ऑफिसर, और आर्मर में राइफलमैन, लेबोरेटरी में नर्सिंग असिस्टेंट में राइफलमैन, और उसके बाद वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट वारंट ऑफिसर की सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद आया पैरामेडिकल वाशरमैन की में बात करें तो वाशरमैन में मेल अप्लाई होंगे राइफलमैन में, और एआ में राइफल वुमेन में फीमेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है जी। और इसमें क्राइटेरिया की बात करें, पीएसटी टेस्ट की, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करें, जनरल के लिए फीमेल कैंडिडेट की जो आया पैरामेडिकल की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी जरूरी है, और एसटी की आपकी 152 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। कलर पोस्टों के लिए बात करें, जनरल ओबीसी एक एससी कास्ट के लिए 165 मेल की हाइट और 155 फीमेल की हाइट होनी जरूरी है, और एसटी की बात करें 162.5 मेल की और 150 सेंटीमीटर फीमेल की। ब्रिज एंड रोड में बात करें, जनरल और ओबीसी एससी कास्ट की 170 मेल की हाइट, 155 फीमेल की हाइट, एसटी कास्ट में 162.5 सेंटीमीटर मेल की हाइट और 150 सेंटीमीटर फीमेल की हाइट। ये चेस्ट मेल की अलग अलग आपको बता दी गई है, चेस्ट सिर्फ मेल की काउंट होती है, आपको पता होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, बाकी जो पोस्टें बच गई हैं बाकी सभी में जनरल की 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी हुई है मेल कैंडिडेट के लिए, और जनरल ओबीसी एससी कास्ट के और एसटी कास्ट के लिए 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी, और 80 से 85 सेंटीमीटर और 76 से 81 सेंटीमीटर आपका वो चेस्ट मांगी हुई है। पीईटी की जो बात कर लेते हैं, पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में तो आपको मेल के लिए 5 किलोमीटर क्वालिफाई करना होगा 24 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 सेंटीमीटर करना होगा 3.5 मिनट में क्वालिफाई। उसके बाद लद्दाख रीजन के लिए बात करें तो मेल को 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर 4 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। ये सारी क्वालिफाइंग की डिटेल आपको बता दी गई है, और उसके बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा जी। पीईटी पीएसटी हो क्लियर होने के बाद आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, मिनिमम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से एससी और एसटी जनरल को, जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेशन को 35% और एससी एसटी ओबीसी को 33% मार्क्स लेने कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ही आपकी मेरिट लिस्ट रहने वाली है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको, ये ऑफिशियली वेबसाइट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो कि आपको मैंने पूरी डिटेल से समझा दी गई है। ठीक है जी, उसमें आप देख सकते हो पूरी पूरी डिटेल, एक एक चीज बता दी गई है, वो भी आप अपना हिसाब से चेकआउट कर सकते हो। ये आपको अलग अलग स्टेट की कितनी, किसमें कितनी पोस्टें हैं, किसमें कितनी पोस्टें हैं, ये वाली आप देख सकते हो, अलग अलग पोस्टें ये आपको अलग अलग देखने को मिल गई, किसमें क्या क्या आपका टेस्ट रहने वाला है, कैसे टेस्ट रहने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशंस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड आपको करवा दिया, रैंक वाइज भी आपको बता दिया है, अलग अलग स्टेट वाइज भी आपको ये नोटिफिकेशन में अलग अलग पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। हाँ, अप्लाई करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखिएगा जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो क्या आपकी कैटेगरी के लिए है। अगर कैटेगरी वाला कैंडिडेट अप्लाई करता है बट कैटेगरी के लिए नहीं पोस्ट, जैसे मान लीजिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो बता देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ एसटी कास्ट से, तो मेरे के लिए पोस्ट तो है नहीं, जीरो पोस्ट है, और मैं ऑटोमेटिकली 11 वाली यानी कि जनरल की कैटेगरी में अप्लाई कर पाऊंगा। असम राइफल में अप्लाई करने से पहले ही आपको शो ऑफ हो जाएगा भी आप अप्लाई किस में कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ जरूर नोटिस कीजिएगा जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपके लिए पोस्ट है भी या नहीं, ये चीज़ें नोटिस जरूर कीजिए। जैसे ही अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा वो भी आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है जी, ज़्यादा जानकारी के लिए आपको ये हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है, इन नंबर्स पर भी आप कंसर्न कर सकते हो। हाँ, इससे ज़्यादा अपडेट पाने के लिए जैसे ही कोई अपडेट आती है अप्लाई होने की, तो तब तक वेबसाइट भी एक्टिव हो जाएगी। फिलहाल इस पर रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिलेबस और आंसर की
एग्जाम जॉब अलर्ट डॉट कॉम पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ये इंफॉर्मेशंस अभी तक फिलहाल चल रही हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, आप जरूर नोटिस कीजिएगा, ठीक है जी। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस पर भी बने रहिए, जैसे ही अप्लाई होने का लिंक एक्टिव होगा तो आपको भी शेयर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही है। इसी तरह की अगर और भी इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो आप ऑफिशियली नंबर्स पर भी कंसर्न कर सकते हो, और आई होप सो भी कंफर्म करने की नौबत ही नहीं आएगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।